आज यानी शुभ अष्टमी के मौके पर काजोल एक बार फिर से मुखर्जी परिवार के आयोजित किए गए नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में पहुंची थी। उनके साथ उनके बेटे युग भी नजर आए। ब्लू साड़ी पहने काजोल काफी खूबसूरत लग रही थी। खास बात ये थी कि इस बार काजोल के साथ उनकी मां तनुजा और बहन तनिषा मुखर्जी भी शुभ अष्टमी के खास मौके पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान पूरा मुखर्जी परिवार ट्रेडिशनल लुक में नजर आया। वहीं अभिनेत्री मौनी रॉय भी यहां गोल्डन कलर की साड़ी पहने पहुंची, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। मौनी ने अपने इस लुक को हैवी ज्वेलरी के साथ पूरा किया। जब तनिषा मुखर्जी से कोविड के बाद हो रही दुर्गा पूजा के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मैं बहुत खुश हूँ कि पूरी फैमिली यहाँ है। इस बार हमने बहुत ही छोटी दुर्गा पूजा की है, सिर्फ फैमिली एंड मेंबर्स के साथ, एंड इट्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि इतने कम लोग हैं। हम सबको बिना मास्क के हग कर सकते हैं क्योंकि सब वैक्सीनेटेड है, सब सेफ है, इट्स ऑल जस्ट फैमिली। तो इसलिए इट फील्स रियली नाइस दैट वी कैन बी ऑल टुगेदर, यू नो। हाउएवर मैं मिस करती हूँ कि हम सब लोगों के साथ नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल बहुत ही बड़ी अष्टमी हो, बड़ा दुर्गा पूजा कर सकें जहाँ हम बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं सबके साथ। तो ये मेरी प्रार्थना है, बट ये इसमें एक दूसरा चार्म है, एक सिंप्लिसिटी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ज्वेलरी कितने मायने रखी है? ज्वेलरी फैमिली ज्वेलरी, हमने आज फैमिली ज्वेलरी पहनी है। ये मेरे ग्रैंड मदर्स की कुड़ी है जो उन्होंने बनाई थी, मेरी मामी मॉम की माम नानी, एंड ये उनका भी रिंग है, तो ये मेरी नानी का रिंग है। तो डेफिनेटली क्योंकि आज आई थिंक कोविड के वजह से सब लोग अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो गुजर गए थे बहुत साल पहले, तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट है दिल में। एंड मेरे दादाजी एस मुखर्जी जिनकी तस्वीर वहाँ लगी हुई है, तो सब लोग, मेरे पिताजी, सबका बहुत ख्याल रहता है मन में क्योंकि कोविड का टाइम बहुत ही बुरा था सबके लिए। हमने बहुत लोगों को खो दिया इस वक्त, तो आई थिंक ये दुर्गा पूजा में ऐसे सब ऐसे मिल रहे हैं बिकॉज बहुत टाइम से मिले नहीं हैं एक दूसरे से। अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा कौन सा है आपका अभी तक का? सबसे बेस्ट आई थिंक हर साल सबसे बेस्ट साल होता है क्योंकि इतना गंभीर साल रहा है कि अभी जो हम दुर्गा पूजा में सबको मिल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि वाओ दिस इज द बेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो आई थिंक हर साल मेरा सबसे बेस्ट साल रहता है क्योंकि जो साल में जो भी गम है हम महामंडल में आके माँ के पैरों पे छोड़ देते हैं, तो यू नो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। जाने माने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और उनकी पत्नी सुनीता गोवारिकर भी पूजा में नजर आए। दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। वहीं काजोल के अंकल देव मुखर्जी और कजिन शर्बानी मुखर्जी भी मौजूद थे। INS रिपोर्ट।